राइट, गुजरात में इस वक्त चर्चा देखिए जोरों पर है और गुजरात चुनाव की चर्चा जोरों पर है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात चुनाव की दो तारीखें सामने आई हैं, यानी दो चरणों में चुनाव होंगे, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर, ये दो तारीखों में चुनाव होने वाले हैं। अब इस चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे बताए जा रहे थे, लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया था कि मोरबी हादसा जो है एक मुद्दे के तौर पर अब चुनाव में नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह हादसा जो है अब काफी गमगीन हो चला है और इसकी वजह से पूरे राज्य में, राज्यव्यापी आप बोल सकते हैं कि गुजरात में राज्यव्यापी शोक की घोषणा हो चुकी है। तो चुनाव आयोग ने जब मीटिंग की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बोला था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान करने में जो देरी हुई है वो मोरबी हादसे की वजह से हुई है। तो यहाँ मोरबी हादसा कितना जरूरी है, कितना अहम हो जाता है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरी बात दिखाई दे रही है। वहीं मोरबी हादसे से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो यहाँ पर बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मोरबी जो पुल था, जो ब्रिज था, जो कि गिर गया और गिरने से कम 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, उसके बाद से ही बीजेपी पर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसे लेकर लगातार हमला कर रहा है, बयानबाजियां हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि इस पर बीजेपी किस तरीके से निजात इससे पाती है, मोरबी हादसे से किस तरीके से पीएम मोदी अपनी रणनीतियों की वजह से अपनी पार्टी को जिताते हैं, या आप बोल सकते हैं कि मोरबी हादसे से जनता का दिमाग भटकाने की कोशिश किस तरीके से वो करते हैं, क्योंकि यहाँ इस वक्त पीएम मोदी भी निशाने पर है, तो यहाँ उनको भी मशक्कत करनी पड़ेगी इस हादसे को भुलाने के लिए। हालांकि यह हादसा इतना ज्यादा जरूरी हो चला है, इतना ज्यादा गंभीर हो चला है, लोगों के दिमाग पर इसने छाप छोड़ी है कि अभी इस वक्त गुजरात चुनाव में एक मुद्दे के तौर पर ये उभरता हुआ नजर आ रहा है और इसका निश्चित तौर पर नुकसान बीजेपी को हो सकता है अगर बीजेपी ने जल्द से जल्द इस पूरे मुद्दे पर निजात नहीं पाई। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।